नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। भवनाथपुर पुलिस की प्रयास से बेकाबू ट्रक को कब्जे में करके बड़ी घटना घटने से रोका गया है। भवनाथपुर स्थानीय थाने की पुलिस के प्रयास से बाजार में एक बड़ी घटना घटने से बाल बाल बच गया। यूं हुआ यूं कि मंगलवार की देर शाम में एक बेकाबू ट्रक CG10AU 3643 ने एक रिक्शा में धक्का मारकर बाजार भीड़ की तरफ घुसने ही वाला था कि गश्ती पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान देखा गया कि चालक निर्मल यादव कैलान गांव निवासी शराब के नशे में धुत था। तुरंत गाड़ी और चालक को थाना ले आया गया, जिसके बाद ट्रक चालक के द्वारा बड़े ही नाटकीय ढंग से ट्रक छुड़ाने के लिए पुलिस पर गाड़ी में रखे 69,000 रुपये गमन करने का आरोप लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिसिया दबाव के बाद तथा नशा उतरते ही रुपए गमन होने से इनकार कर दिया। थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक का चालान काट दी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ट्रक सीमेंट लोड कर भवनाथपुर आया हुआ था। माल अनलोड करने के पश्चात भाड़े में रुपए लेकर पहले जमकर शराब पी ली। लौटने के क्रम में नशे की हालात में कुछ दूर जाते ही एक रिक्शे में ठोक कर भागने का प्रयास किया, जिसकी सूचना लोगों द्वारा पुलिस को दे दी गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी CB प्रसाद सिंह ने गश्ती दल को इसे देखने को बोला। गश्ती दल संयोग बस बाजार में ही था, इससे तुरंत गाड़ी को काबू में कर लिया गया। नहीं तो बाजार में नशेड़ी चालक कितने लोगों को रौन देता, जबकि चालक ने बताया कि उसका छोटा भाई भी गाड़ी में ही था और भाड़े के पैसे उसी के पास सुरक्षित हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर डेली न्यूज झारखंड पर। अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।